एक सर खड़े होके हाँ आयोग के 73वें स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम आम जन को और ख़ास तौर पर युवाओं को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस उद्देश्य और भावना से और विश्वास से आयोग के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिला है उसमें हम सभी ने आयोग के सभी लोगों ने समर्पण भाव से पूरी क्षमता से और प्रतिबद्धता के साथ भर्ती व चयन प्रक्रिया जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य का निष्पादन नियमित रूप से कर जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक संतुष्टि को सर्वोच्च माना जाता है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ये हमारा प्रयास रहा है और इसी से जो है लोगों में आम जन में विश्वास पैदा होगा। इसके लिए हमने नवाचार बहुत से नवाचार किए हैं समय समय पर ताकि उसकी पारदर्शिता बरकरार रहे, निष्पक्षता बरकरार रहे और आईटी के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम निरंतर जो है इसको अपडेट करते आ रहे हैं और भविष्य में भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आयोग अपना पूरा क्षमता के साथ अपनी प्रतिबद्धता के साथ आम जन के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। एक जनरल सा बाइट वैसे दे हमने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन से लेके बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की हैं, नवाचार किए हैं, कॉपीज़ को भी ऑन स्क्रीन मार्किंग के माध्यम से चेक कराया जाता है। इससे ऑनलाइन होने से, डिजिटल होने से एक तो रिकॉर्ड रहता है, दूसरा पारदर्शिता होती है, बच्चों को लाभ मिलता है, घर बैठे बैठे वो एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, उनके रिजल्ट उस पर आ सकते हैं, उनके इंटरव्यू लेटर्स, परमिशन लेटर्स सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी सुविधाएं बेरोजगार युवाओं को देने का प्रयास किया जा रहा है और निरंतर और नवाचार कर रहे हैं, ये प्रयासरत हैं कि किसी को आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पे किसी प्रकार के आरोप ना लगा सकें। सर, ये आयोग काफी पुराना है, आजादी से पुराना इतिहास। लगभग आज 73वां इसके उपलक्ष्य में स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। लगभग 73 वर्ष पहले आयोग ने कार्य अपना प्रारंभ किया था। इस लंबे सफ़र में मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर, जिन लोगों ने समय समय पर किसी न किसी रूप में अपना इस आयोग को इस गौरवशाली मुकाम तक पहुँचाने में अपना सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है। और यहाँ का विशेष रूप से यहाँ जो कार्यरत अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, इस अवसर पर उनको भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में और इसको बुलंदियों पर पहुँचाएँ, अपना योगदान दें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस अवसर पर
तमाम लोगों को, हमसे आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। कीमत बताता हूँ, आइए मेरे शहर अजमेर, जहाँ पर अध्यात्म धर्म आध्यात्मिकता तो कहीं हमारी तीर्थ नगरी पुष्कर विद्यमान है, कहीं नारेली है और कहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, से दीपक में सजाई है वादी की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई, और सर्वप्रथम हम आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री साहिब श्री अशोक गहलोत सर के माननीय डीओपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिब श्री हेमंत गैरा सर से कर हम सब की भावनाओं को माननीय तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के इस दिवस पे आपके इस मुख्य आथे को लिखने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। श्रीमान स्थान पे खड़े होंगे, मैं हमारे विद्यार्थियों से, जब भी संसाधनों की मांग की गई उन्होंने तत्काल उसे पूरा करने के निर्देश दिए। आपकी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इस अपने भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं और समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया, और न केवल जानने का प्रयास किया बल्कि एक भर्ती प्रक्रिया सुधार समिति माननीय कुमार जी के नेतृत्व में आपने बनाई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके समाधान के निर्देश आपने अभी बताया कि संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आपने स्वयं समय निकालकर समय समय पर आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की, सुझाव मांगे कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भर्तियां निष्पक्ष हों, न्याय हो कैंडिडेट्स के साथ। इस अवसर पर हम आयोग की ओर से आपको और आम जन को, विशेष तौर पर युवाओं को, प्रदेश के इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस उद्देश्य, भावना और विश्वास से हमें आयोग के माध्यम से सेवा करने का अवसर दिया गया है, मिला है, उसमें हमने पूरे समर्पण भाव से, पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ भर्ती व चयन प्रक्रिया जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य को निष्पादन नियमित रूप से कर जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारा ऐसा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक संतुष्टि को सर्वोच्च मानक माना जाता है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होगी, तभी आम जन का विश्वास पैदा होगा। मैं आज उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से जिन्होंने RPSC को इस बुलंदियों पर पहुँचाने में अपना योगदान दिया। यहाँ के तमाम आयोग परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक आभार। धन्यवाद श्रीमान। और अब मैं हाँ जी, हाँ सर, थोड़ा सा आप पीछे हुए, राइट इधर देखिएगा, मैं 2-3 क्लिक करूँगा, है ना, स्टिल रहिएगा। वेट, आंखें ब्लिंक नहीं करें, राइट ओके, थैंक यू थैंक यू।